हेलो फ्रेंड्स, दिया और मम्मा की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे ड्रैगन फ्रूट स्मूदी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा यम होती है और बच्चों की फेवरेट होती है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैं ले रही हूँ ड्रैगन फ्रूट, बनाना, काजू और फ्रेश मिंट। सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अपने काजू, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बनाना और स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और इसके जार को बंद करके हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में हम ऐड करेंगे मिंट लीव और ड्रैगन फ्रूट को। फ्रेश मिंट लीव ली है मैंने, तो दोनों को मिक्स करके हम इसको भी एक बार पीस लेंगे। इसको पीसने के बाद आप देखेंगे आपको कितना सुंदर कलर की स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। बस अब हमने क्या करना है, इसको एक किसी भी सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो आप देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है हमारी स्मूदी का। अब बस हमने जो ड्रैगन फ्रूट की पतली स्लाइसेस कट करी है उससे इसको डेकोरेट कर लेंगे और आपकी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ड्रैगन फ्रूट की स्मूदी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ये बनाना बहुत आसान है और लास्ट में हम इसे डेकोरेट करेंगे फ्रेश मिंट लीव्स। तो ये देखिए, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।